लड़ाई किसके बीच में इस बार? एक तरफा आरएलपी जीतेगी, एक तरफा। दूसरे नंबर पर कौन रहेगी? कोई उसका पता ही नहीं है, दूसरे सब एक तरफा वोट खान साहब है। पॉजिटिव वोट आ रहे हैं आरएलपी को और जालम सिंह को। अच्छा, आरएलपी और जालम सिंह को। रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में है, वो भी आपके साथ, आपने जिस तरीके से छात्र राजनीति शुरू की थी वो भी मैदान में, बड़ा चर्चा उसकी वजह से। आपकी जो विधानसभा है वो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चित है। बिल्कुल, वो युवा नेता है, निर्दलीय प्रत्याशी के नाते भरे हैं, तो सारे आरे को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जालम सिंह जी, क्या जरूरत पड़ गई हनुमान बेनीवाल के साथ में जाने की? आप तो संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आपने तमाम वो टाइम देखा, फिर अचानक ही क्या कोई खेल हो गया आपके साथ में? ऐसे तो हनुमान जी भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है। हाँ। मेरे पुराने मित्र है। हाँ। मैंने उनकी कार्यपत्ति देखी है। तो हनुमान जी तो वसुंधरा जी से प्रताड़ित थे, इसीलिए उन्हें वसुंधरा जी के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, सच बोलने की उन्हें सजा मिली थी। आप अपना दर्द बताइए कि आपके साथ में क्या खेल हो गया? सुनने में आ रहा आपका टिकट फाइनल हो गया था, दिल्ली से आप रवाना हो गए थे, तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई, फिर क्या खेल हो गया? जालम सिंह जी, आप 20 साल से लगातार 2003 में जीते थे, 2003 के बाद में 23 की बारी है, पहली बार है 5 लोग मैदान में हैं। इससे पहले कभी हमेशा वहां बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला था, 2018 में हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी आया, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि आपको वहां के मतदाताओं के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, क्या लग रहा है टक्कर किसके बीच में है, क्या चुनावी माहौल है? प्रियंका जी को आज समर्थन दिया है आपका, प्रियंका जी के पास में मैंने देखा विशेष तौर से उनके परिवार के प्रति आपका लगाव रहता है जब वो नामांकन आए, क्या लग रहा है समर्थन देने से क्या उलटफेर होगा बाड़मेर की राजनीति के अंदर, और इसका फायदा प्रियंका जी को? भारतीय, आखिरी सवाल है, बीजेपी वो नहीं रही जिसे आप जानते थे जिस जमाने से, 15-20-25-30 सालों से, आखिरी सवाल, बड़ा चेंज हो गया बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप से लेकर प्रदेश की लीडरशिप में? ये तो एक व्यक्ति का काम है बीजेपी। जालम सिंह जी, क्या जरूरत पड़ गई हनुमान बेनीवाल के साथ में जाने की? आप तो संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आपने तमाम वो टाइम देखा, फिर अचानक ही क्या कोई खेल हो गया आपके साथ में? ऐसे तो हनुमान जी भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है। हाँ। मेरे पुराने मित्र है। हाँ। मैंने उनकी कार्यपत्ति देखी है। हाँ। मैंने उनका संघर्ष देखा है। हाँ। मैं उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हूँ। हाँ। और उनकी पार्टी ने पिछली बार 200 विधानसभा में, जैसा आपने बताया। हाँ। सबसे ज्यादा वोट राजस्थान में किसी विधानसभा में लिए तो शिव में लिए, 50,000 वोट। तो ऐसी पार्टी से जुड़ने का और उस पार्टी के माध्यम से मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है, इससे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं हो नहीं सकता। वो हनुमान जी तो वसुंधरा जी से प्रताड़ित थे, इसीलिए उन्हें वसुंधरा जी के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, सच बोलने की उन्हें सजा मिली थी। आप अपना दर्द बताइए कि आपके साथ में क्या खेल हो गया? सुनने में आ रहा आपका टिकट फाइनल हो गया था, दिल्ली से आप रवाना हो गए थे, तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई, फिर क्या खेल हो गया? देखो, राजनीति में सब चीजें चलती रहती है। बीजेपी के का सबसे सुप्रीम बॉडी संसदीय बोर्ड होता है, संसदीय बोर्ड में लगभग 15-20 पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। मेरा नाम 25 सेकंड में तय हो गया था जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि शिव सीट से जालम सिंह सबसे मजबूत है, तो सभी ने उस पर यस किया, और ये 1 तारीख की रात को बात है। और जब 3 तारीख को लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं मिला, तो मैंने वापस वहाँ संपर्क किया, भाई मेरा नाम तो तय करके बताया था, आप में से अधिकांश लोगों ने खुद ने चला के कहा था बधाई हो आपका टिकट मिल गया, आप फोन आ गया था आपके पास, सभी का अधिकांश। हाँ। हाँ। लोगों का आया था, तो मैं वहाँ से जो दिल्ली से छोड़ के तुरंत रवाना हो गया शिव के लिए, क्योंकि नामांकन की तैयारी करना ये आजकल बहुत जरूरी चीज़ होती है, मुझे चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब सोचा था 2003 में ML बना था कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, कभी कभार हारूंगा, मैं तो हमेशा जीतूंगा, पर राजनीति में तो भाग्य होता है, मेरे भाग्य में अब तक MLA का संघर्ष दोबारी बार बनना लिखा हुआ था, तो मैं इस बार MLA बनना ही बनना चाहता था, इसलिए मैं तो तुरंत आया और तुरंत मैंने तैयारी चालू कर दी। लेकिन बाद में जानकारी हुई कि टिकट मेरी जगह रात को 2:10 पर किसी और प्रत्याशी को तय करके, आप देखिए सूची जो बीजेपी की बनती है, बड़ी पार्टी है, व्यवस्थित पार्टी है, व्यवस्थित तरीके से 3 लिस्टें निकली थी, जो 4th लिस्ट निकली उसमें रात को 2:10 साइन हुए, सुबह 7:30 आया कि 2 कैंडिडेट, 4th लिस्ट में केवल 2 उम्मीदवार थे। दूसरा इसलिए किया कि अकेला यदि स्वरूप सिंह जी का नाम शिव से घोषित करेंगे तो पता नहीं क्या मीडिया में सामाजिक क्षेत्र में चर्चा होगी, तो एक नाम और तय करके 2 नाम घोषित किया, टोडा भीम का और शिव का। जालम सिंह जी, आप 20 साल से लगातार 2003 में जीते थे, 2003 के बाद में 23 की बारी है,
पहली बार है 5 लोग मैदान में हैं। इससे पहले कभी हमेशा वहाँ बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला था, 2018 में हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी आया, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि आपको वहाँ के मतदाताओं के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, क्या लग रहा है, टक्कर किसके बीच में है, क्या चुनावी माहौल है? मेरा आपसे निवेदन है कि इससे विधानसभा से मेरा जो संबंध है, MLA तो 20 साल पहले बना था, लेकिन सिर्फ विधानसभा से मेरा संबंध 43 साल से है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से। मेरा सारा अध्ययन बाड़मेर में हुआ, स्कूल का अध्ययन, कॉलेज का अध्ययन, फिर मैंने विद्यार्थी जीवन में यहाँ काम किया, सामाजिक संगठनों में काम किया, तो मेरा घर तो 43 साल से सिर्फ विधानसभा ही रहा है। इसलिए सिर्फ विधानसभा की 36 कौमों से मेरे अच्छे संबंध है और सिर्फ विधानसभा की एक एक समस्या से वाकिफ हूँ, एक एक पोलिंग बूथ पर सैकड़ों बार गया हूँ। इसलिए लड़ाई किसके बीच में इस बार? एक तरफा RLP जीतेगी, एक तरफा। हाँ। दूसरे नंबर पर कौन रहेगी? कोई उसको पता ही नहीं है, दूसरे सब एक तरफा वोट है। पॉजिटिव वोट आ रहे हैं RLP को और जालम सिंह को। अच्छा, RLP और जालम सिंह को। रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में है, वो भी आपके साथ, आपने जिस तरीके से छात्र राजनीति शुरू की थी वो भी मैदान में, बड़ा चर्चा उसकी वजह से आपकी जो विधानसभा है वो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चित है। बिल्कुल, वो युवा नेता है, निर्दलीय प्रत्याशी नाते भरे हैं, तो सारे को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, प्रियंका जी को आज समर्थन दिया है आपका, प्रियंका जी के पास में मैंने देखा विशेष तौर से उनके परिवार के प्रति आपका लगाव रहता है जब वो नामांकन आए, क्या लग रहा है समर्थन देने से क्या उलटफेर होगा बाड़मेर की राजनीति के अंदर और इसका फायदा प्रियंका जी को? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में गंगाराम जी के परिवार के साथ में पहली बार अन्याय नहीं किया है। गंगाराम जी के साथ में बहुत पहले भी अन्याय हुआ है। गंगाराम जी 2004 में मंत्री बन रहे थे, मंत्री बनने से रोका, 2008 में उनका टिकट काट दिया गया, 2013 में जब प्रियंका जी को टिकट मिला तो BJP के ही लोगों ने प्रियंका जी को हराया, और इस बार तो प्रियंका जी के बारे में एकदम पूरे बाड़मेर की जनता की एक तरफा राय थी कि गंगाराम जी की पोती, रामदान जी की पड़पोती, बाड़मेर की लोकप्रिय जननेता, मातृशक्ति में हमारे मदन कुंवर जी के बाद में पूरे ज़िले में दूसरा नाम प्रियंका जी का था, उनको सब लोग MLA बनाना चाहते थे। मैंने प्रियंका जी की जो चुनावी सभा थी उस समय मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, वो भी बाड़मेर ज़िले से, मुझे प्रदेश कार्य समिति में केवल 3 लोग मेम्बर थे, उनमें से एक मैं था। हमने कहा था कि आप ये गलती मत करना, आप रिकॉर्ड देखिए, BJP जब भी सत्ता में आती है राजस्थान में उस समय गंगाराम जी या गंगाराम जी के परिवार का सदस्य भाजपा का उम्मीदवार होता है तभी सत्ता हुई, चाहे ये सत्ता भैरव सिंह जी के 2 कार्यकाल हो, चाहे ये वसुंधरा जी के 2 कार्यकाल हो। आप गंगाराम जी के परिवार से यानी प्रियंका जी को टिकट नहीं देंगे तो राजस्थान में जो आता हुआ राज आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, अब राजस्थान में BJP का राज नहीं आएगा। आखिरी सवाल है, BJP वो नहीं रही जिसे आप जानते थे जिस जमाने से, 15-20-25-30 सालों से, आखिरी सवाल, बड़ा चेंज हो गया BJP के सेंट्रल लीडरशिप से लेकर प्रदेश की लीडरशिप में? ये तो एक व्यक्ति का काम है, कोई BJP का नहीं, शिव की सीट में तो एक व्यक्ति ने किसी भी तरीके से टिकट हथियार कर ली, बाकी कोई BJP का सिस्टम कोई बहुत खराब हो गया ऐसा मैं नहीं मानता। आप देखिए, ये देखिए बाड़मेर की राजनीति के अंदर किस तरीके से हर एक दिन नया उलटफेर हो रहा है, तीनों लोग से हमारे साथ में और प्रियंका चौधरी को समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में क्या कुछ इसका असर होता है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।